आप यहाँ काम करने आए? हाँ यार, मैं इधर काम करने आ गया हूँ। एक साल बाद मेहनत करके ऐसी स्पोर्ट्स कार लेंगे। स्पोर्ट्स कार दिखाओ यार। लेकिन यार, इस गाड़ी के लिए पूरा एक दो साल वो बस चलानी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम, तो मैं रियाद आ गया हूँ यार। आप लोगों का क्या हाल है? आप सब ठीक हो? आप सब पूछते पूछते कोई नहीं, मोहसिन भाई आप उधर क्या करने गए हो, क्या करने नहीं गए? ठीक है, तो रात से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मोहसिन भाई आप क्या कौन से बैग यार आप लेकर आए हो मक्का से? और यार थोड़ा सा सामान छोपी नहीं, अभी 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 चलो यार, अभी खोलो, अभी अब खोलो। चलो यार आ जाओ यार, चलते हैं। बैग खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन जाके पहले मैं कपड़े चेंज करूंगा फिर दिखाऊंगा। चलो ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ये कह रहा हूँ बैग खोलो, तो बैग खोल के दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की है। बैग को लगा हुआ है ताला, जिसकी चाबी ये है। ये बंदा रात से कह रहा है कि अपना बैग खोलो, मैं बैग खोल के दिखाता हूँ मैं यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। करो यार ओपन करो, बैग ओपन करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरत का सामान है यार, और कुछ भी नहीं है यार। चलो चलो, और आराम से ये देखो, ये मैंने कपड़े धुलवाए थे अपने, ठीक है। ये भी कपड़े हैं, ये खजूरे भावा जी भाई साहब खजूरे हैं, ठीक है। और ये भी खजूरे हैं, ये बादाम है, ये चॉकलेट हैं जो आप लोगों ने दी थी, और ये कैंडीज हैं, ये भी कैंडीज हैं, और ये चार्जर है, और ये क्या है, और टूथपेस्ट वगैरह। कुछ भी नहीं था बैग में, गई अभी शॉपिंग करनी है ना। ये मेरा मोबाइल है जिसपे मैंने काफी साल से मेरे पास है, जिसपे राइड्स पे और लोकेशन लगा के जाना आना। ये वो अभी शॉपिंग सारी ये लोग ही कराएंगे, ठीक है। अभी शॉपिंग करनी है, अभी क्या किया कुछ भी नहीं है। ये कह रहे थे क्या है बैग में, क्या है बैग में, क्या है रोला डाला हुआ रात से, तो अब बैग ओपन किया है। तो यार ये वाला जो बड़ा बैग है ना, ये इन्होंने मुझे दिया है, ठीक है। तो इस बैग में मैं सारी अभी जाय नमाजें वगैरह ली हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इलाम वगैरह है ना जो इधर ऊपर वाली जिप में रख लिया, ठीक है। बैग में काफी स्पेस है, मेरे पास बैग नहीं था, आपने देखा। खजूरे हैं जो अलग अलग किस्म की, इसमें हमने खजूरे लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैंडी इसमें डाल दो, ये शॉप पे काम आ जाएगा यार, कैंडी इसमें ना डालो। ये भी हो गया, अब इसमें और भी चीजें चूजे रख के इसको पैक करेंगे, अभी और भी चीजें लेंगे, ठीक है। तो यार बैग कुछ इस तरीके से फुल हो गया। चलो अभी बंद कर दो इसको। हाँ ठीक है, बैग खोल के दिखा दिया है, खुश हो? चलो अब जाके झूले छूले लो। अच्छा यार, तो मैं दोबारा चेंज कर लिया, क्योंकि यार वो ब्लैक सलवारी में आपको पता ब्लैक है, तो ये भी ब्लैक, लेकिन ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे, गर्मी भी बहुत है। तो यार मुझे बड़े कमेंट आ रहे थे, बड़े इंस्टाग्राम रात को मैंने खोला, ठीक है। एक मेरी बहन है और भाइयों के बड़े मैसेज आ रहे थे कि आप रियाद आई थिंक आप जॉब करने गए हो, आप जॉब करने गए हो, आप जॉब करने गए हो। आहो जी भज गए ने मोहसिन भैया थे जॉब करे, आपके कमेंट देखे, मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था यार। जो दिल में आता बोली जाते हैं वो, बड़ा रंग के मुझे कमेंट आते हैं, क्या बड़े मैसेजेस आते हैं, ये वो सारा कुछ। तो भाई मैं आया हूँ सिर्फ अपने ये छोटे भाई हैं इनसे मिलने, और कुछ शॉपिंग वगैरह, ठीक है। इन्होंने मेरे लिए सामान लेके काफ़ी रखा हुआ था, आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा लेकिन बाद में। तो यार वो मैंने ही लेने आना था, तो चलो इनसे मुलाकात भी हो गई, ठीक है। फिर हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब यह होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। यार दोहेर भाई ले आओ यार गाड़ी की चाबी यार, फिर चले ले आओ यार, है नहीं नहीं कहाँ रखे हो यार, पैदल ही जाना पड़ेगा। दोहेर भाई यार अपनी गाड़ी की चाबी नहीं लेके आ रहे यार, दोहेर भाई ले आओ, चलो पैदल ही जाते हैं। खैर अभी हमने जाना है, आज शॉपिंग शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कल सुबह मैंने निकलना है मक्का, फिर वहाँ पे अभी 5 दिन हो रहे हैं। तो माशाल्लाह यार जब कल मैं निकला हूँ, ठीक है, हरम बाग से मदीने से, तो जाना था कल के दिन मक्का, तो मैं इधर आ गया। मैं कहा चलो यार एक दिन सफ़र 10-12 घंटे तो सफ़र में लग गए, अभी आया हूँ बस रात रुका हूँ, और इंशाल्लाह अब आज रुकना है तो कल फिर निकल जाना है, तो कल सीधा इंशाल्लाह ताला मक्का जाएंगे। तो सारा आज रेस्टोरेंट भी जाना है, आज काफ़ी काम करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ रहना है, ठीक है। मोहसिन भाई को ऐसे लाइक कमेंट प्यार देते रहा करो यार, बेल आइकन की टल्ली को ऑल पे कर दो। और यार आप सबका मैंने शुक्रिया अदा करना था कि पापा की आईडी बनाई थी, ठीक है, आप लोगों ने उसमें एक दिन में अच्छे खासे यार एरोप्लेन मोड लगा दिया उस आईडी पे, जो चीज़ आपके मोहसिन भाई ने सोची भी नहीं ना होती। आप लोग वो भी कह रहे थे कि मोहसिन भाई आप ये करने लगे हो, ये करने लगे, ये करने लगे, और मुझे ब्लॉग के आइडियाज, प्रैंक्स के आइडियाज ऐसे ऐसे लोग देते हैं, प्यार करने वाले भाई बहन, ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आए होते हैं कि मैं देख के लाइक एक दफा मैं सोचते ही रहता हूँ यार इन्होंने मेरे से क्या करवाना है यार। यार इसने 3 कैन ले लिए हैं, ठीक है,
तो जल्दी जल्दी नमाज का भी टाइम होना है, चलो चलो चलो। तो यार बोतल शोतल ले ली है, अब बस जाना है थोड़ी देर तक रेस्टोरेंट जाना है, उससे पहले हम नमाज पढ़ लें ठीक है, फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना छाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे, आप लोग देखो। तो यार मैं खाना खा के पार्क में वॉक कर रहा हूँ ठीक है, तो मैं अपने सामने देखता हूँ ये गाड़ी मैंने देखी थी जनाब DHA में जब मैं राइड उतारने गया था, उसके बाद ये मुझे आज मिली है तकरीबन 8-9 महीनों के बाद मैंने ये गाड़ी देखी है। पोर्च उसका कलर और था लेकिन यार ये गाड़ी बहुत प्यारी थी, मैंने कहा यार मैं आप सबको दिखाता हूँ। और ये जो भाई है इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कहते हैं यार बाइक चले जाएँ और जॉब कर लें, ये बात ऐसे शुरू हुई ठीक है, ये पूरा ग्रुप है। तो मैं ना टिकटॉक की वीडियो बना रहा था पार्क में, अपने शॉर्ट बना रहा था मिनी व्लॉग के लिए, आप लोग तो देख रहे हो मिनी व्लॉग, तो आपको पता मोहसिन भाई बड़े अच्छे बनाते हैं। तो सीन ये हुआ, वो भाई कहते यार मैं काम करने आया था सऊदी, पता नहीं क्या इशू हुआ मेरी कंपनी जो थी ना, तो मेरा काम छूट गया तो मैं वापस पाकिस्तान भी नहीं जा सकता था। तो मेरे साथ ऐसे हम एक कमरे में 35 जने सोते हैं, तो भाई ने मुझे सारी स्टोरी बताई कि यार खाना भी हम ना लगा लो कि अल्लाह दे रहा है, बस कैसे कैसे खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो यार अपने बंदे को रोटी देने का वादा किया है ठीक है, अब रोज़ पता नहीं पत्थरों में रिज़क खुन जाता है कहाँ कहाँ पे, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह डेली रिज़क सबको तकसीम होता है पूरी दुनिया में, जितनी भी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ज़्यादा जो उनके लिए टेंशन की बात थी ये थी कि 6-7 महीने से वो फ्री हैं और अल्लाह ताला यार उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, और मुझे कहते यार यहाँ पर 1.5-1.5 साल लड़के फ्री घूम रहे हैं, 1.5-1.5 साल से कोई काम नहीं मिल रहा। तो यार अपने परदेसी पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी, जो इंडियंस भी हैं, बंगाली भी हैं, जहाँ जहाँ के भी हैं, तो उनके लिए यार आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह ताला सब ने अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो मेरे परदेसी भैया आज सेटल्ड हैं वो बड़ा बड़ा वक्त काट के, बड़ा बड़ा टाइम काट के, बड़ी बड़ी मेहनतों के बाद आज वो सेटल्ड हुए हैं। मैंने कहा यार प्यारे भाई मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा, और आप अपने मोहसिन भाई को मतलब मुझे बड़े मैसेज, अच्छा अच्छा आप रियाद काम करने गए हो, ये है वो है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैसेज तो आए अच्छी बात है, चलो अल्लाह करे यार बंदा अच्छी जगह पे किसी पे काम करे, और क्या चाहिए, काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। ना वैसे ही जा रहा था सामने हैदराबाद रेस्टोरेंट चेक चुक करने सारा कुछ इधर क्या है, तो पापा ने कहा था कि दही का मसाला लाना है ठीक है, तो एक यही वाला यार नज़र आया दही का मसाला, तो अभी उन्हें मैंने पिक भेज दी है, अगर वो कहेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे। हमने जाना था अभी रेस्टोरेंट खाना खाने, लेकिन मामू जान का ज़रा गला ख़राब था, पिछले जुमे को ज़रा उमरा करने आए थे कह रहे, तभी ज़रा गर्म ठंडा मामला गले में हो गया था, तो वो भी वो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी लेके आए हैं, तो ये मुझे लेके जा रहे हैं मकाले पे, इधर दुकान को कहते हैं मकाला सऊदी अरब में, स्टोर कहते हैं, तो ये कह रहे हैं यार यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, वैसे खाना खाया बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे खाने बहुत अच्छे मामी ने बनाया है, बहुत अच्छे खाने बनाए हैं, बड़ा मज़ा आया खाने का यार। तो यार यहाँ पे मकाला जो बड़ा स्टोर है वो बंद है ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि सऊदी अरब में जब भी अजान होती है, अभिषा की अजान होगी हम भी जाके इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह जितनी भी शॉप्स हों वो बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये रूल है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फाइनली हमें मकाला मिल ही गया, बाकी जो दुकानें थी वो सारी बंद थी। चलो यार लो क्या क्या लेना, जल्दी पहले तो भाई के लिए दूध लेना था इन्होंने ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला दूध इस्तेमाल होता है, पकड़ो ना जो लेना है, उसके अलावा मैं जो लूंगा ना दो लेने थे, चलो ये ठीक है दो ले लो, अच्छा उसके अलावा ये नहीं मैं लूंगा यार ये मैं लूंगा पेप्सी, मैंने आज पेप्सी नहीं पी यार, पेप्सी दे दो बिस्मिल्लाह करके, पेप्सी दे दो, चलो ले आओ। तो बोतलें है ना मैंने इससे पूछा, ये कह रहा है ये बोतलें हमारे घर में दे जाते हैं, ये वाली फिल्टर की एक बोतल कितने रियाल की मिलती है, 10 रियाल की घर में दे जाते हैं, 9 रियाल यहाँ पर पानी ज्यादा महंगा है पेट्रोल से, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 2 रुपए लीटर पेट्रोल है और पानी ज्यादा महंगा वाकई यार, जैसा मान ले बहुत टाइम हो जाता है व्लॉग नहीं अपलोड होता, मुझे इधर बैठ के व्लॉग एडिट कर लेने दे यार, नहीं यार घर चलो यार इधर कर लेने दे, देख लो भाई मैं इसलिए आज का जरा व्लॉग लेट आ रहा है, लेकिन हाँ डेली रहा यार जो इधर के जो 50 रुपए है ना, इधर का जो रुपया है ना वो पाकिस्तान के शायद 78 रुपीज है, तो मैं अभी 40 रियाल का मालिक हूँ, 78 को मल्टी करोड़पति, हाँ 40 रियाल है अभी मेरे पास, तो ये कह रहा है 50 रुपए की गाड़ी की टैंकी फुल हो जाती है, हाँ, 50 रियाल 50 रियाल की, हाँ, तो यानी के यार यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, लेकिन जो इधर के हिसाब से इधर कमाते हैं उनके लिए जरा पाकिस्तान में ये है कि आसानी हो जाती है,
अल्लाह पाक सबको बढ़कते था और अपने हिफ्ज़ भी मान मिल क्या अगर यार 50,000 करोड़ पे करेंगे 4,000 तो यार कल हम जाना है रेस्टोरेंट भी जाएंगे हर जगह भी जाएंगे कल मॉल भी जाएंगे तो लल्लू इधर यार कोई लल्लू नाम का ब्रांड है पता नहीं अब कल जाएंगे यही कह रहा है तो एक मिनट दफा तो कल जाएंगे तब तक के लिए ब्लॉग को आपने कर देना लाइक और कल के ब्लॉग का आप लोगों ने इंतजार करना है डेली आ जाए करो यार डेली ब्लॉग देखने बाकी लव यू खुश रहो अल्लाह हाफिज़।